तो बच्चों आज हम क्या करेंगे, चलो देखते हैं। ठीक है, व्हाट इज दिस? यस, दिस इज अ बटरफ्लाई। कैसे उड़ती है बटरफ्लाई? ऐसे से उड़ती है। बेबीज, बटरफ्लाई हैज डिफरेंट डिफरेंट कलर्स। जो बटरफ्लाई है उसके अलग अलग कलर होते हैं, है ना? और जो आपको पता है बेबीज, आप सबने देखा है कि उसको उड़ना आता है, देखे है ना आपने? यस। तो वो जब उड़ते उड़ते बहुत थक जाती है तो वो फ्लावर्स के ऊपर रेस्ट करने के लिए बैठ जाती है, क्योंकि उसको फ्लावर्स बहुत पसंद है और वो फ्लावर्स से उनका रस भी सक करती है। और रस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेक्टर। यस, आज हम बटरफ्लाई में कलरिंग करेंगे। यस, लेट्स स्टार्ट। सो बेबीज, नाउ वी विल डू कलर इन बटरफ्लाई। देखो मैम ने लिए आपके लिए बटरफ्लाई ड्रॉ किया है ना? आपको ये बटरफ्लाई उसी फाइल में ड्रॉ करना है जिस फाइल में आपने एप्रन ड्रॉ किया था, फिर उसमें कलरिंग की थी। बटरफ्लाई भी उसी में ड्रॉ करेंगे और उसमें फिर कलरिंग करेंगे। ओके बेबीज, लेट्स स्टार्ट। सी बेबीज, विच कलर इज दिस? यस, दिस इज पिंक कलर। अब हम आउटर एरिया में, उसके विंग्स के आउटर एरिया में पिंक कलर करेंगे। बेबीज, मैम पिंक कर रहे हैं, आपको जो भी अच्छा लगे आप वही कलर कर सकते हैं। ओके, सी बेबीज देखो यहाँ पे हमारा कलर हो गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट में कलर करेंगे ना, देखिए नीचे वाले आउटर एरिया में। सब बेबीज ने जो लाइन की है, लाइनिंग की हुई है, उसके अंदर ही कलर करना है, उससे बाहर नहीं निकालना है ना। देखो हमारा इस पोर्शन में भी कलर कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरी साइड करेंगे, एक ही डायरेक्शन में करेंगे बेटे और बाहर नहीं निकालेंगे। देखो बेबीज, हमारा इस पोर्शन में भी पिंक कलर कंप्लीट हो गया है ना। अब हम नीचे वाले पोर्शन में करेंगे। बेबीज, आप सबको पता है जब बटरफ्लाई छोटा बेबी होती है ना, तो वो उसको क्या कहते हैं, क्या होते हैं वो? यस, कैटरपिलर। जब कैटरपिलर ग्रोन अप होता है तो वो बिग बिग कलरफुल बटरफ्लाई बन जाता है। यस, बेबीज जो हमारे विंग्स का आउटर एरिया है ना, जिसमें मैम ने आउटलाइनिंग की हुई है, ये देखो डबल आउटलाइनिंग है, उसमें मैम ने पिंक कलर कर दिया है ना। अब हम जो विंग्स का अंदर वाला एरिया है उसमें हम येलो कलर करेंगे। यस, इसका अंदर वाला पोर्शन है उसमें येलो कलर करेंगे। सी देखो मैम इसमें येलो कर रहे हैं बेबीज। मैम ने इसमें येलो किया है, आप अपनी चॉइस से कोई भी कलर कर सकते हैं बेटे, जो आपके पास कलर घर पे अवेलेबल है। ठीक है, यस। बेबीज अब हम नीचे वाले विंग्स में भी येलो कलर ही करेंगे है ना। आप इसको कलरफुल भी बना सकते हैं, अगर आपको कलरफुल अच्छा लगता है तो आप कलरफुल बटरफ्लाई भी बना सकते हैं, क्योंकि बटरफ्लाई के तो बहुत सारे कलर होते हैं ना। यस, बटरफ्लाई हैज मैनी कलर्स।
देखो बेबीज, हमारे विंग्स में कलर हो गया है ना। अब हम बेबीज, अब हम बटरफ्लाई के माउथ में येलो कलर करेंगे, है ना। मैम आपको बता रहे हैं बार बार, आपके पास जो कलर है, आपको जो कलर अच्छा लगता है आप वही कलर कीजिए। ओके, देखो बेबीज हमारा माउथ में भी कलर हो गया। अब हम बटरफ्लाई के सेंटर वाले पार्ट में ग्रीन कलर करेंगे, है ना। तो मैम आपको बताएं कि मैम ग्रीन कलर क्यों करते हैं। अभी मैम ने बताया था ना, जब बटरफ्लाई स्मॉल बेबी होते हैं तो वो क्या होते हैं, कैटरपिलर, और कैटरपिलर का कलर कौन सा होता है, ग्रीन। इसलिए मैम ने इसके अंदर ग्रीन कलर कर दिया, है ना। यस, देखो बच्चों हमारी बटरफ्लाई कितनी अच्छी लग रही है ना। यस, आप भी घर पे ऐसे ही सुंदर सुंदर कलरिंग करेंगे, मम्मा से बटरफ्लाई ड्रॉ करवाओगे। ओके बेबीज।